हेलो गाइस, आई एम धनंजय। नाउ यू आर वाचिंग एनजे म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कॉर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें FL Studio 20 के फंक्शन के बारे में तो सभी जानकारी हो गई है कि हम इंस्ट्रूमेंट ऐड कैसे करते हैं, चैनल रैक में पियानो रोल में काम कैसे करते हैं, प्लेलिस्ट में हम लोग सॉन्ग के अरेंजमेंट कैसे करते हैं। दिक्कत अब आपको ये आ रही होगी कि आप एक अच्छी धुन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, FL Studio के अंदर बना नहीं पा रहे हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने थ्योरी वाला लेक्चर स्टार्ट कर दिया हुआ है। ये हमारा पार्ट वन है। तो आज हम बात करेंगे कॉर्ड से। व्हाट इज कॉर्ड? सिंपल वे में समझाऊँ तो तीन या तीन से ज़्यादा नोट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट में ऐड कर लेता हूँ अच्छे से समझाने के लिए आपको। मैं यहाँ कुछ नोट्स प्ले करूँगा, आप देख सकते हैं मैंने तीन नोट्स प्ले किए हैं, सी, ई और जी। ये तीन नोट्स के जो कॉम्बिनेशन है एक साथ मैं प्ले कर रहा हूँ, इसे हम कॉर्ड कहते हैं। ये हमारा सी मेजर कॉर्ड हुआ। वो कैसे पता चला कि ये हमारा सी मेजर कॉर्ड हुआ? तो मैं आपको एक चार्ट बनाकर दे दूंगा जिसमें मेजर, माइनर, डिमिनिश्ड कॉर्ड, जितने भी कॉर्ड्स होते हैं सभी की डिटेल्स, जिससे आप आसानी से आप कॉर्ड के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, यूज कर पाएंगे कॉर्ड को और समझ पाएंगे कि वह कॉर्ड एक्चुअली में होता क्या और कॉर्ड के कितने टाइप होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कॉर्ड की कुछ डिटेल्स निकाली हुई है, जैसे मेजर हुआ, माइनर कॉर्ड हुए, माइनर सिक्स्थ हुए, मेजर नाइन्थ हुए। ये सभी कॉर्ड हम यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने नीचे में नोट्स दिए हैं 047। इसका कहने का मतलब कि मैं FL Studio में सी से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारा ज़ीरो हो गया, ये हमारा नोट्स एक हुआ, ये दो, ये तीन, ये चार। तो मैं दोबारा प्ले करूँगा इसे, फिर पाँच, ये छः और ये सात। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 047। तो ये जो डिस्टेंस है बीच बीच के, ये गैप, ये हमें छोड़ के जाने हैं, उसके बाद 047 ये हमारे सी मेजर कॉर्ड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 047। जैसे कि मान लो मुझे माइनर कॉर्ड प्ले करना है, तो यहाँ लिखा हुआ 037। तो माइनर कॉर्ड कैसे प्ले करेंगे FL Studio के अंदर? हम सी से स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा जीरो हुआ, एक, दो, तीन, फिर मैंने चार, पांच, छः और ये सात, 037। जैसे कि आप देख सकते हैं 037 हमारा माइनर कॉर्ड हुआ। ये हमारा माइनर कॉर्ड है। इससे पिछला वाला जो कॉर्ड मैंने बताया था वो मेजर कॉर्ड था। मेजर कॉर्ड में डिफरेंस क्या? ये हमारा मेजर कॉर्ड हुआ 047। एक, दो, तीन, चार, जीरो हुआ, एक, दो, तीन, चार, चार पे ये हमारा नोट्स, पांच, छः, सात पे ये नोट्स। तो ये हमारा सी मेजर हो गया और ये हमारा सी माइनर कॉर्ड हो गया। अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आप पियानो रोल के अंदर दिए जाते हैं बिगनर्स के लिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मेजर में जाएंगे और जहाँ से आप स्टार्ट करने जाते हैं जैसे मैं सी से, तो सी पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक मेजर कॉर्ड जो होंगे आपके वो यहाँ पे वो फिल कर दिया कौन कौन से नोट्स आपके लगेंगे मेजर कॉर्ड में। जैसे कि मान लो माइनर कॉर्ड में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाऊँगा, माइनर कॉर्ड पर क्लिक करूँगा और सी से स्टार्ट करो, तो ये देख सकते हैं आप, आपके माइनर कॉर्ड आ चुके हैं। इसी तरीके से आप कॉर्ड की प्रैक्टिस करते रहो अपने पियानो रोल के अंदर, मेजर के करो, कभी माइनर के करो, मेजर सेवन्थ के करो, डिमिनिश्ड कॉर्ड के करो। इससे क्या हो गया, आपकी पकड़ बन जाएगी कॉर्ड के ऊपर, कहाँ आपको कॉर्ड मेजर कॉर्ड लगे, कहाँ माइनर कॉर्ड लगे, बीच का डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। बस गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थ्योरी वाला लेक्चर हमारा इसी तरह चलता रहेगा। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम FL Studio से रिलेटेड और भी वीडियो लाते रहेंगे।
और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।